नमस्कार, राहुल भोज है मेरा नाम और बिग बॉस की चटपटी बातें बताना है मेरा काम। आप सभी का स्वागत है चैनल टेली खजाना में। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि एमसी स्टैंड ने कल एक स्टैंड लिया, एक ऐसा स्टैंड जिसको लेकर जनता के बीच में एक्साइटमेंट आ गई, एक ऐसा स्टैंड जिसको लेकर लोगों ने बोला कि बॉस तू एकदम करेक्ट है। और अब आप लोगों को बता दूं तो सोशल मीडिया पे छलका है लोगों का दर्द और बोल दी है बात कि हम तुम्हें कनेक्ट करते हैं, तुमसे फील करते हैं स्टैंड। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की चटपटी बातें बताऊंगा। मैं आप पर बात करना चाहता हूं एमसी स्टैंड और उनके इस स्टैंड की। जैसा कि हम सबको पता है कि कल के दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एमसी स्टैंड ने एक बात तो साफ क्लियर कर दी कि भाई लोगों, तुम जो है ये इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को। कोई गांवटी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एजुकेशन नहीं है, ये वो, गोरी को बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब दोस्तों इसी चीज़ को लेकर जो है सोशल मीडिया पर एक हैशटैग बनाया गया। जी हाँ, आप लोगों को बता दूँ एक हैशटैग बनाया गया है, जो कि यह हैशटैग वी फील यू स्टैंड को लेकर। जी जैसा कि हम सबको पता है कि एमसी स्टैंड जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। एंड यू गाइस वोंट बिलीव दैट ये 1 लाख पूरा करने वाला है। 1 लाख पूरा करने वाला ये दूसरा कंटेंडर होगा इस सीज़न का। इससे पहले शुम्भुल कर चुकी है, आपको बता दूँ दोस्तों, और अब जो है एमसी स्टैंड करने वाला है, क्योंकि ये 98,000 प्लस ट्वीट्स के साथ इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट पर ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ वी फील यू स्टैंड। और अगर आप लोग इसे एक बार ओपन करेंगे तो इसमें दोस्तों आपको बता दूँ तो क्या लिखा जा रहा है, मैं बताता हूँ। इमोजीज़ का इस्तेमाल मत करो कह रहे हैं लोग। कंपेयर किया जा रहा है निमृत के साथ स्टैंड को, या फिर कल का जो पूरा हुआ था उसके लिए। इसके अलावा एमसी स्टैंड को लोग जो है काफ़ी ज़्यादा, और वो कह रहे हैं दिस वाज ह्यूज मैम, 24 आवर्स ट्रेंड है ये, और काफ़ी लोग जो है इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भर भर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एमसी स्टैंड जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दूँ तो वोटिंग लिस्ट भी आई है और वोटिंग लिस्ट में एमसी स्टैंड नंबर 1 पर है। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।